मैजिकल हैंड, आज हम एक ऐसी बैग बनाने वाले हैं जो 8 पॉकेट है उसमें, और ये एकदम हैंडवर्क के पेज नहीं है लेकिन एकदम फैंसी बैग है, और इसमें 8 पॉकेट है, यहाँ पे 1 पॉकेट है और एक यहाँ पे है, ये देखिए, और यहाँ पे 1 पॉकेट है जिसको हम यहाँ से भी कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी रखने के लिए साइड में ये इलास्टिक वाले 2 पॉकेट है, ये देखिए, और हमें यहाँ पे ऐसे पीछे 1 पॉकेट है, ये देखिए, और हमें 2 पॉकेट यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे भी 2 पॉकेट मिलेंगे। तो आज हम ये बैग बनाना सिखाएंगे। बैग को कट करने के लिए कौन कौन के से पार्ट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें 18x7.5 के ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए, और ऐसा 7.6 का ऐसा पार्ट्स, और उसके नाप से एक नॉन वोवन का पार्ट्स चाहिए, और 13x1.5 का ऐसा पार्ट्स चाहिए, और 13x3.6 के ऐसे 4 पार्ट्स चाहिए, 7.5x5 का ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए, 10x6 के ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए, 13x5 का एक ऐसा पार्ट्स एक ही चाहिए, 5.5 के ऐसे 2 इलास्टिक चाहिए, और हमें ऐसी क्रॉस में कटी हुई 3 पट्टियां 18 इंच की चाहिए, और हमें ऐसा स्क्वायर में काटा हुआ 12x7 का नॉन वोवन का ऐसा पार्ट्स चाहिए, और 9.5x15.5 के ऐसे 3 पार्ट्स चाहिए नॉन वोवन के, और हमें ये 14 इंचेस की 2 ऐसे जिप चाहिए, और हमें 8 इंचेस की ऐसे 2 जिप्स चाहिए, 8 इंचेस की हमें 3 जिप्स चाहिए, और एक 6 इंचेस की चाहिए, 11 इंचेस की एक और जिप चाहिए, और हमें 7 रनर चाहिए ऐसे, और हमें ऐसे 7 मोती चाहिए, और 4 मोती ऐसे चाहिए। सबसे पहले हमें 13x3.6 के ऐसे 2 पार्ट्स है, जो 4 पार्ट्स हमें काटने हैं इस शेप में, तो वो लेने हैं। हमें यहाँ पे 2.2 इंचेस पे यहाँ पे हमें ऐसे मार्क कर देना है, और 2 इंचेस पे यहाँ पे मार्क करना है, और हमें यहाँ पे 3 इंचेस पे ऐसे क्रॉस में कर देना है। अब हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, और 2 इंचेस पे ऐसे यहाँ पे हमें मार्क करना है, और हमें यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देना है 2 इंचेस पे ऐसे, और हमें ऐसे हमारा ये शेप आ गया है। इसको हमें यहाँ से ऐसे कट करना है, और ऐसे कट कर देना है, तो ये हमारा शेप आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट उसी के ऊपर ऐसे, दूसरा पार्ट हमें ऐसे ही रख के यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। तो हमें ऐसे हमें 4 पार्ट्स चाहिए। अब हमें ये जो हमारा पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड करना है, और हमें यहाँ पे मार्क करना है, ये देखिए मैंने किया है, और उसी तरह से हमें ये 18x7.5 का जो पार्ट है उसे भी ऐसे ही फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमें मार्क करना है। ये जो हमने मार्क किया है दोनों को ऐसे सेंटर में रख के, फिर यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे हमें मार्क कर देना है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बचा है उसकी हमें यहाँ पे प्लेटें लेनी है, मतलब कि यहाँ से हम छोटी छोटी प्लेटें लेंगे 1 इंच छोड़ के, तो हमें इसी के नाप से हमें करनी है, यहाँ पे हमें प्लेटें लेके इसके नाप से ही रहना चाहिए, ये जो हमारा पार्ट है वो इसी के नाप से रहना चाहिए। हमें 1 इंच की ये जगह छोड़ के यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है ऐसे स्ट्रेट, और हमें यहाँ पे हमें इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे इतनी सी जगह छोड़ के यहाँ पे हमें स्टिच करना है। ये देखिए हमने ऐसे प्लेटें भर ली। अब उसी के पास से हमें उतनी ही ऐसे फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करना है। Thank you.
ये देखिए ऐसे हो गई हमारी। तो हमें ऐसी फोर प्लेटें लेनी है यहाँ पे और दूसरी साइड भी, और पीछे का पार्ट से उसमें भी ऐसे ही करना है। अब हमें दोनों साइड फाइव प्लेटें ली है देखिए, और इसके नाप से हमने ये कर लिया है, ये देखिए। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स में ऐसे दोनों साइड फाइव फाइव प्लेटें ले लेनी है। ये जो हमारा 7x6 का जो पार्ट था उसको हमें लेना है अब, और उसको ऐसे होल्ड करना है, और हमें यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देना है, और हमें यहाँ से ऐसे काट लेना है। ये हमारा कट हो गया, तो ये ऐसा शेप हो जाएगा, ये देखिए। और हम अब हमें यहाँ से बीच में से काट लेना है, अब हमें ये जो जिप है उसको लगाना है। तो उसको हमें ये जो हमारा पार्ट्स है उसको ऐसे ऐसे रखना है। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही काटी है ताकि बाद में थोड़ी कम ना बन हो जाए। यहाँ से हमें टीच करना है, और हमें ऐसे यहाँ पे दबा देना है, ऊपर टीच कर देनी है। और हमारा नीचे का जो पार्ट है उसको भी ऐसे हमें ऐसे रखना है पूरा सेंटर में, और ऊपर टीच कर देनी है। फोल्ड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देनी है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देना है। अब हमें इसमें रनर डाल दिया है। ये जो हमारा नॉन वोवन का पार्ट था उसको हमें ऐसे ऊपर रखना है और पूरे राउंड में स्टिच करनी है। ये जो हमारा पॉकेट बन गया है, अब हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हमें ये जो हमने पट्टी काटी थी उसको लेना है, और यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। अब हमारी ये जो पट्टी है उसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब हमें ये जो जिप का पार्ट है उसी तक यहाँ से हमें टीच यहाँ से करनी है, इतना ओपन रखना है ताकि हम इसमें जिप ज्वाइंट कर सके। ये देखिए हमने दोनों साइड ऐसे ओपन रखा है। अब हम इसमें जिप को अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो ओपन रखा है उसके साथ हमने जिप को, ये जो हमने 11 इंचेस की ये जो जिप है उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, और यहाँ पे स्टिच कर देनी है। यहाँ पे हमें ऐसे टीच कर देनी है, ये जो ऊपर का है वहां पे। अब हमें इसमें रनर डाल देंगे। ये जो हमारे जिप का एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने ऐसे नाप के काट लिया है, अब हम यहाँ पे दूसरी साइड ऐसे अटैच कर लेंगे। हमने दोनों साइड ऐसे अटैच कर लिया है जिप को। अब हमें यहाँ पे पूरे राउंड में ऐसे जॉइंट कर लेना है।
ये हमारा हो गया सीधा, और इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर टीच कर देनी है। ऐसे हमें पूरे राउंड में कर देना है। अब हमें ये जो पॉकेट बना लिया है, तो हमें ये जो हमने बीच में मार्क किया है, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है सेंटर में, और स्टिच हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे स्टिच का पार्ट आएगा तो इतना हमें जगह छोड़नी है, और ऐसे हमें बिल्कुल सेंटर में ऐसे पॉकेट को रखना है, और इसको हमें ऐसे अंदर रखना है, और यहाँ से पूरा स्ट्रेट रखना है, और इसके ऊपर ऐसे रहना चाहिए ये जो है, और यहाँ से हमें टीच करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, तो ये ऐसे हमें फोल्ड होना चाहिए, तो हमें इसे स्ट्रेट पकड़ के ही कॉर्नर तक स्टिच करनी है। यहाँ पे कॉर्नर पे हमें घुमा लेना है ऐसे, और इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे होना चाहिए। ये देखिए हमने ये पॉकेट लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारे दो पॉकेट हो गए। अब हमें यहाँ पे बीच में से दोनों साइड कट कर देना है, और हमें यहाँ पे जिप लगा देनी है। मैंने दोनों साइड ऐसे कट कर लिया है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मार्क करके भी कट कर सकते हैं। तो अब हमें ये जो हमारा 8 इंचेस की दो जिप्स ली थी, वो हमें ऐसे लगा देनी है यहाँ पे, और अब ये हमने जिप को स्टिच कर लिया है, तो इसको हमें ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से जिप को लगा दिया है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट था, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है, और यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेनी है। ऐसे फोल्ड करना है, और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से कर देना है। तो ये हमने दोनों साइड जिप को लगा दिया है। अब हमें ये जो हमारा 12x7 का जो हमारा नॉन वुवन का पार्ट है, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे
रखना है, और ये जो हमने जिप के पास स्टिच की है वहां पे ऐसे रख के हमें स्टिच करनी है, ऐसे पूरे स्क्वायर में कर देनी है। उसको ऐसे फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ऐसे हमें 2 इंचेस की फोल्ड करके ऐसे काट लेना है और इसको हमें ऐसे राउंड करके यहाँ पे ऐसे डाल देना है मोती को अंदर। ये हमें सेंटर पे मार्क करना है और ये हमने मोती को ऐसे डोरी में डाल दिया है, तो ये सेंटर में यहाँ पे मार्क करना है और हमें यहाँ पे ऐसे मोती को रख के यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। ये देखिए हमने ऐसे मोती को लगा दिया है, तो ये हमारे मोती लग चुके हैं। तो अब हमें ये जो हमारा सेट दिया हुआ ये पार्ट से हमारा उसको हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देनी है। कर देनी है इसको, नीचे का ये जो पार्ट से हमारा उसको ऐसे दबा देना है ऊपर। ये देखिए मैंने ऐसे डोरी बना दी है और इसमें ऐसे मोती भी डाल दिए हैं, तो अब हमें यहाँ पे ऐसे गांठ लगानी है ऐसे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करनी है और ऐसा हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। ये हमारी दोनों दूरियां रेडी है। अब हमें इसको ऐसे यहाँ पे ये छोटी और यहाँ पे ऐसे लंबी ऐसे शेप में रखना है और हमें यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे अटैच कर देना है, दोनों को ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट्स रेडी हो गया है, अब हम पीछे का पार्ट्स बनाएंगे। ये हमारे 2 इंचेस पे हमें यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे 2.5 पे मार्क करना है और फिर हमें 2.5 तक ऐसे कट कर देना है। यहाँ पे हमें ऐसे कट करना है, दोनों साइड ऐसे ही कर देना है। अब हमें ये जो पार्ट्स है हमारा उसको ऐसे फोल्ड कर देना है और हमें यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। और दूसरी साइड भी उसी तरह से हमें फोल्ड करना है।
फोल्ड कर दिया है, अब ये हमारी जिप है उसमें रनर डाल दिया है मैंने, उसको ऐसे हमें नीचे रखना है। और ध्यान रखना है रनर को स्टिच में ना आ जाए। और हमें यहाँ से ध्यान रखना है, सेंटर में रहनी चाहिए जिप को, और हमें यहाँ से स्टिच करनी है। ये हमारी पीछे की जिप लग चुकी है, अब हम इसके नीचे ये नॉन वूवन का ये जो पार्ट्स है जो 7.5 बाय 6.5 का है, जो इसके नीचे रख के हमें स्टिच कर देनी है दोनों साइड। स्टिच करके ये नॉन वूवन को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारा ये जो पार्ट है हमारा, उसको हमें ऐसे रख के जो आगे का पार्ट बना है उसी तरह से हमें पीछे लगा लेना है। तो ये हमारा लग चुका है, इसको ऐसे ऊपर करना है और यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको दबाने के लिए हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों, ये हमारा आगे और पीछे दोनों का पार्ट्स ऐसे रेडी हो गया है। ये मैंने हैंगर को बना दिया है, हमें ऐसे दो चाहिए जो हमने 44 के काटे थे उसमें मैं नॉन वूवन डाल के बना दिया है। अब हमने ये जो मोती लिए थे 4 वो इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। अब हमें ये जो पार्ट्स है हमारा उसको यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे स्टिच करना है और यहाँ पे भी स्टिच करना है। ये देखिए हमने हैंगर को अटैच कर लिया, ऐसे ही हमें आगे का जो पार्ट है उसमें भी ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए अब हमें ये पार्ट्स लेना है, ये जो हमने काटा था उसको हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे, और हमें यहाँ पे स्टिच करना है यहाँ से। अब इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे, और इसके ऊपर हम यहाँ पे टीच करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए हमने ये इस तरह से रेडी कर दिया है, और दूसरा पार्ट भी मैंने उसी तरह से रेडी कर दिया है, तो आप भी इसी तरह से बना दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पार्ट रेडी हो गए। अब हमें 13 बाय 5 का जो हमारा पार्ट था उसको हमें इसके साथ अटैच करना है, तो हमें यहाँ पे ऐसे उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें
स्टिच कर लेनी है। ये देखिए हमारा अटैच हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट्स यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने ये अटैच कर लिया है और ये पार्ट्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें ये जो हमारा 10x6 का जो पार्ट्स है हमारा, उसको हमें लेना है अब। और यहाँ पे ये जो हमारी क्रॉस में कटी हुई पट्टी है, उसको ऐसे नीचे रखना है और इसको ऐसे ऊपर रख के यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को ऐसे रखना है और इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। पहले यहाँ पे ऐसे करनी है, फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ले जाना है। हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना आए। इलास्टिक को ऐसे हमें खींचना है। और हमें यहाँ पे भी स्टिच कर देना है। यहाँ पे देखिए स्टिच किया है। इलास्टिक को हमें साथ में स्टिच करना है, ये अच्छी तरह से स्टिच करना है, नहीं तो ये छूट जाएगी तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमें ये पार्ट लेना है हमारा, ये देखिए, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, ये देखिए, और हमें यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पे ऐसे प्लेटें लेनी है। ये प्लेटें हमें जो नीचे का पार्ट से उसी के नाप से पूरी लेनी है। ऐसे स्ट्रेट ले जाना है। हमें ये जो हमने पार्ट को रेडी किया, ऐसे ही दूसरा भी हमें तैयार करना है। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए और इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, पानी का बोतल। ये देखिए हमारा ये जो पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हमें ये पॉकेट यहाँ पे लगाना है। तो इसको हमें ये जो साइड में है वहां पे यहाँ कॉर्नर रहना चाहिए और ऐसे रखना है। और यहाँ पे हमें यहाँ से स्टिच करनी है और यहाँ पे स्टिच अटैच करने के लिए थोड़ा खुला छोड़ना है। ये देखिए यहाँ से हमें स्टिच करना है। हमें ऐसे
करना है और हमें यहाँ पे हमें ये जो देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया, ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें ये जो पॉकेट है उसको भी जॉइंट करना है। ये हमारे दोनों पार्ट साइड के हो गए हैं। ये अब हम ऊपर का जो हमारा पॉकेट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो उसको हम बनाते हैं। ये जिप है उसको हमें इसी के नाप से रखना है, एक्स्ट्रा है तो कट कर लेना है और हमें इससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है ताकि यहाँ पे स्टिच में हम स्टिच में ले सके, यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इसीलिए ये हमारे 9.5 बाय 15.5 का जो नॉन वुवन के तीन पार्ट्स लिए थे उसको हमें ऐसे जिप को यहाँ पे ऐसे रखना है, बीच में सेंटर में दोनों साइड एक समान जगह रहनी चाहिए और हमें यहाँ पे स्टिच कर लेनी है यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, अब हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और हमें यहाँ पे स्टिच करना है। ये जो नॉन वुवन का पार्ट है उसको नीचे रखना है और ये अटैच हुई हुई जीप है उसको ऐसे रख के यहाँ पे से स्टिच कर लेना है। ये हमारी दूसरी जीप है उसको ऐसे ऊपर रखना है, ये जो पार्ट से हमारा उसको, और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। ये देखिए हमने ये अटैच कर लिया है, अब ये जो हमारा पार्ट है उसको हमें ऐसे अटैच करना है। तो ये हमारा ऐसे पॉकेट का पार्ट्स हो गया और हमें कोई भी बैग का पॉकेट बनाना है तो ये इसी तरह से रेडी होता है, सिर्फ नाप का चेंजेस होता है। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ अब हम यहाँ पे बीच में पट्टी क्रॉस में काटी हुई पट्टी लगा देंगे, तो इसको इस तरह से रखना है ताकि ये नॉन वुवन के ऊपर स्टिच ना जाए। ये देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और हमें इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच करनी है। यहाँ पे फोल्ड करके इसके ऊपर भी स्टिच करना है। हमने इसमें रनर डाल दिया है, ये पट्टी लग चुकी है, अब साइड में स्टिच करना है। यहाँ पे साइड में इसको हमें ऐसे पकड़ना है और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। यहाँ पे हमें इतना खुला छोड़ना है और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्टिच करनी है। जो 13x2 की जो ये जो दो पार्ट्स काटे थे इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, ये जो हमारी जिप है उसके साथ हमें ऐसे अटैच करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है।
अटैच कर लिया है। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए दोनों साइड हमने ये लगा दिया है। अब हमें हमारे ये जो बैग का पार्ट्स है, हमने यहाँ पे खुला छोड़ा था, तो हमें ये जो हमारा पार्ट्स है तो इसको हमें ऐसे करके, ये जो पार्ट्स है उसको हमें ऐसे पीछे करना है और हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर हमें इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे ऐसे हमें अटैच करना है, ये देखिए, और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है, तो इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा, ये देखिए अटैच हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे ऐसे हमें ये हमने, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारे स्टिच को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे रहे, और इसको हमें बैग को सीधा करना है। उससे पहले हमें यहाँ पे ऐसे नाप लेना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो कट करना है और नहीं है तो इसके साथ हमें अटैच करना है ये दोनों को, और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है, और हमें उसी तरह से स्टिच करनी है। इसको हमें ऐसे पीछे करके यहाँ पे स्टिच करनी है। देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ से बैग को सीधा करना है, इसको हमें ऐसे सीधा करना है। ये हमारा सीधा हो गया और इसको हमें अंदर डाल देना है, और यहाँ पे हमें ये जो हमारा पार्ट्स है इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है यहाँ पे। ये देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये जो हमारा पार्ट्स है इसको उसके ऊपर हमें दबा देना है। और हमें ये जो मोती है उसको ऊपर ले लेना है ताकि वो स्टिच में ना आ जाए। और नीचे भी ध्यान रखना है, हमें जो मोती लगाए हैं वो स्टिच में ना आ जाए। यहाँ पे स्टिच कर ली है, दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से करना है। अब दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से यहाँ पे स्टिच करना है।
ये हमारी बैच रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ से ये बैच के ओपन करना है और हमने यहाँ पे जो खुला छोड़ा था पार्ट्स उसको हमें स्टिच करना है। यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है। अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है और हमें तीनों पार्ट्स को एक पकड़ के ऐसे सीधा रखना है और उसके ऊपर स्टिच करना है। हमारी ये बैग रेडी हो गई है। तो देखिए इसमें कितने सारे पॉकेट हो गए। देखिए यहाँ पे ऊपर भी हम एक पॉकेट है, ये देखिए, फिर यहाँ पे है दो पॉकेट, यहाँ पे है और यहाँ पे भी पॉकेट है। और इसमें हम इसके यहाँ से भी कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये दो जिप है और हमें यहाँ पे पीछे एक पॉकेट है, ये देखिए, और हमें यहाँ पे ऊपर दो पॉकेट, ये देखिए, और साइड में हमें पानी का बोतल या कुछ भी रखने के लिए साइड में भी दो पॉकेट है। तो ये हमारी बैग रेडी हो गई है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बैग आपको सीखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।